बड़ा गणेश फ्राउड करा मेरे ऊपर, बहुत ही राजी हो जाएंगी। सैंको सर ऊपर कर दियो मैं। हाँ, मेरी खास भाई ली मान रहे थे, दोस्त बेटी है, खास है। टीचर साथ दियो, टीचर पढ़ायो, बस अंक की कृपा ही जैता नंबर आ गया। आगे बच्ची को सपनो है, बड़े पापा को सपनो है कि आईएएस बनावा। 10th में आई जना मैं सोचो 100% तो लेना ही, क्यों हो जाते है? बस प्रॉपर्टी है बच्चा ही। टीचर इतना एक्सपीरियंस हो कि अपन बही बात बताऊंगा जो कि सही ही, गलत बात आज तक कोई टीचर बताई को नहीं। राम राम सामो मनोज थे, देख रहे हो दिल को चूरू। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज अपडेट देश का। चूरू को गांव है बास जैसी का और सलोनी है जी का 99% मने क्लास 10वीं में बात कर रहा हूँ और साइंस और मैथ के अंदर 100 नंबर है जी का हासिल करा। बातचीत करा कि क्या इसी पढ़ाई है जी की रही और नाम है जी को गाँव रोशन सलोनी के खातर। एक तो तन बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी के 99 नंबर तक यहाँ पर लिया। लेकिन इतनी स्टडी करनो के टाइप की स्टडी आप करी और बात आ भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप पढ़ाई करी क्योंकि बाद में जिले में राज्य में टॉप आनो गौरवान्वित कर रहे है। एक गौरवान्वित के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत लगी और घर का को साथ हो, टीचरों को साथ हो, हर एक चीज़ टाइम पर करवाई, हर एक मतलब करवाने के बाद में हर चैप्टर करवाने के बाद में टेस्ट लियो भी सब हो सारो। और तो बस पेरेंट्स को साथ हो, पेरेंट्स जगाता है, टाइम पर सुहाता है, चोखो खानो मिलो, बस अंक की कृपा ही जैता नंबर आ गया। आई मैंने अटता नहीं पहुँचाया तो मैं आनी धन्यवाद दूंगी। तो धन्यवाद पीछे जी, पसीनो भी काफी बहानो पड़े, रात में 12 बार कई बार पढ़ना पड़े तो कितनी देर आप स्टडी वगैरह करना पड़ता? सुबह 4 बजे उठती मैं, 4 बजे उठ के जब तक स्कूल तो लेट ही लगती नान दो तो आधी घंटा ही लग गया। तो जितना नहीं स्कूल नहीं जाती, जितना नहीं आराम पढ़ लेती, पढ़े बाद में स्कूल में आए बाद में थोड़ी देर टाइम पास करके आराम मतलब खाना वगैरह खा के फिर रात में बैठती मैं 7 बजे, 7 से 11 तक आराम पढ़ता, फिर सोना भी जरूरी हो गया, 11 बजे सो के आराम, 4 बजे उठ जाता, वही चलता हूँ अपना तो सोना भी काम करे खाली। एक जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी पढ़ाई हो रही है तो बठों जब आप शहर क्षेत्र में गया तो एजुकेशन लाइन में किए कुछ अंतर आपन करना पड़ो कि तो आगे जाके अंतर आपन देखने मिलो? दिक्कत तो घनी आई पर बात आ है कि पेरेंट्स को साथ हो, टीचरों को साथ हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जोर आयो कि ओ मेरे को नहीं आवा, समझ में ही को नहीं आया कि बोल रहे हैं कि अपना तो भाई लैंग्वेज चले मारवाड़ी चले तो बट बता हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बताता थोड़ा जोर आयो स्टार्टिंग में, पर फिर एकदम डर गया बेटा, डरे बाद में आराम पढ़ाई कर लेता सो के समझ में आ जाता, अभी तक समझ में ही आया जना इतने नंबर बन गया, नहीं समझ में आता तो अब साइंस के अंदर 100 में 100 आए हैं और एक मैथ में आए एम के कुछ जिया कितनी मेहनत करी आज ज़्यादा टाइम दियो बाकी हम नंबर क्या कट गया? ना बात बाको नहीं, बात इतनी ही कि मैथ्स के अंदर सब कुछ किताब में ही आवा है और सब्जेक्ट को यहाँ होवे को नहीं कि किताब में ही आओगे, थोड़ा बहुत ही नवीनों दे दें तो मैथ ने पूरी 3-4 बार सॉल्व करवाई मान, 3-4 बार किताब सॉल्व करे बाद में तो आई जाए। और साइंस वाला हमारा गुरु जी तो अच्छा है कि वह माने एक चैप्टर ने 4-5 बार आराम चोखो रिविजन करवाया, टीचर तो सारा ही चोखा, बस कठिन कठे मारी कमी रहेगी तो हमारा नंबर कट गया। टीचर ने हमेशा फॉलो करना चाहिए क्योंकि टीचर इतना एक्सपीरियंस हो कि अपन बही बात बताऊँगा जो कि सही ही, गलत बात आज तक कोई टीचर बताई को नहीं, गलती कठिन कठे अपनी ही रह जाए तक भी नंबर को नहीं आवे। आगे की अब की कुछ प्लानिंग करी है, कौन सी फील्ड में जाना है? आगे तो बस आईएएस बनना है, बड़े पापा को ही सपना है, बड़े पापा मेरी दीदी है बड़ी सुलेशा, बनको 10th में बैंक का भी बनाई है, 10th में भी का 94-95 इतना ही तो बन कहे बेटा तन कलेक्टर बना सूँ, मैं आईएएस बना सूँ। बन बोली कि ना पापा मेरे डॉक्टर बनने को इरादा है, मैं डॉक्टर बन सूँ। तो पापा बोला कि अब तू तो मेरा आईएएस बनने को सपना पूरा करेंगे, मैं पापा कराएंगे, अब माँ बाप इतना दियो तो माँ बाप खतर कुछ तो करना बनेंगे ना। आज यहाँ कई दिनों गाँव आया है पीछे तो गाँव वाला क्या देख रहे हैं? इतना नंबर बढ़ाने के बाद गांव वाला गणेश फ्राउड करे मेरे ऊपर, बहुत ही राजी हो जाएंगी। सैंको सर ऊपर कर दियो मैं, गांव को नाम इतना रोशन हो रहा है, सैंको जवान पर एक ही नाम है बास जैसे का वही नाम रह रहा है तो गांव वाला बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही राजी हो रहे हैं, इतना दिन बाद में गाँव की छोरी इतना टॉप कर गयो वन देख के, बहुत खुशी फैल रही है, खुशी का माहौल है। रीजन वही है कि पहली पेरेंट्स इतना सपोर्ट कौन करता, पहली के वही थीम बने रही ही कि हाँ छोरी पढ़ ली थोड़ा सा जितनी पढ़ेगी उतनी पढ़ा लेंगे फिर ब्याह कर देंगे, अब तो पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रखे हैं ना, फिर स्कूल वगैरह भी खुल गई छोरियाँ खातर तो पेरेंट्स को सपोर्ट और स्कूल की वजह छोरी आगे जा रही हैं क्योंकि छोरियाँ जितना सपोर्ट करोगे ना बीती भी आगे जाएंगी। अच्छा एक दिन जिस दिन रिजल्ट आए वो दिन की स्थिति ही और करते हैं लागू हो फिर करते हैं अपा जी किस चीज़ सोच रखी बढ़ते हैं पूछ के? मैं एग्जाम दे के जना मन 98 की लगी, मैं 10th में आई जना मैं सोचो 100% तो लेना ही, क्यों हो जाता है
बट फिर एग्जाम हो जना मैं सोचो 98 तो आई जाऊंगा क्योंकि नंबर कठिन कट तो कट ही जाएँ, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाएँ, पर फिर जना 99 मैं तो शॉक डोगी पूरी कि भाई ओ क्यों हो गया, बस ऊपर वाले को साथ हो, पेरेंट्स को साथ हो, टीचरों को साथ हो, जना इतना नंबर आगा। अच्छा मेहनत भी है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, बहुत पढ़ना पड़े हो, आगे भी मेहनत जारी रहेगी शायद, आगे मेहनत शायद को नहीं जारी ही रहेगी, आईएएस बनने खातर बहुत पढ़ना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी अच्छी रैंक आओगी, उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। एक चीज़ और, मोबाइल आजकल हर की जरूरत बन गयो, कि तो यूज रखना चाहिए, काम में ले हो या कौन ले, मोबाइल भी तो यूज़ रखना चाहिए जिना तानी वो अपना पॉजिटिवली साथ दे, जहाँ कि टेंथ मेरे साथ यहाँ कर तो रात में लेट तो नहीं पढ़ा करता, अब कोई भी डाउट आ जाए बीच में तो अब भी टाइम टीचर तो हमें को नहीं, तो बी टाइम फ़ोन खोल के वो डाउट बी टाइम में क्लियर कर लेना जना ज़्यादा सही रहे, क्योंकि घाव ने जब तानी दवाई नहीं लगा वो सही को नहीं बढ़ तो ही जाए, फिर तो वो डाउट घाव वाले तरह हो जाता, तो पहले ही क्लियर कर लेंगे भी तो ही फायदा है, तो पॉजिटिवली जब तानी अपना साथ देना, बीती देर फ़ोन काम में लेना चाहे नहीं छोड़ देना चाहे, काम की चीज़ है, बस अपने पर डिपेंड करे कि आप इनकी यहाँ यूज़ करा। टोटल कितनी घंटा मोबाइल यूज लिया करता वो एजुकेशन ने छोड़ के तो इतना कौन लियो, टेंथ ही पढ़ाई में ही लगा रहता पूरा दिन, टाइम ही कौन मिलता, फिर टेंथ में एक्स्ट्रा क्लास भी होवे तो इतना टाइम कौन मिला फ़ोन चलाना है, बस डाउट क्लियर करने खातर ही यूज़ लियो, और तो फोन यूज ही कौन करता। तो नंबर ठीक लिया थारा क्या देखो और क्या प्राउड फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रही है, इतना खुश हो रहा है कि भी बेटी भरोसो को नहीं अभी तो कर दिखाए। अच्छा थे तो जी एकदम ग्रामीण परिवेश ना मानना आ रहा हो, जी आज गांव में आ जाओ तो अल्लाह पल्ला पूरा कर रखे हो, और गांव वाली सोचांगा बच्चों की खतरी गया नहीं क्या भी जानो पड़ो। अरे भी कोई पढ़ाई वगैरह हो रही है? मेरी पढ़ाई को नहीं हो रही, बस बच्चा सपोर्ट बटाने बच्चा का टच में रहा, बस सपोर्ट करे होगा बड़ा पापा चाहेंगे, बस मेरा टब्बर पढ़ के चांद का पग लगा दें, बस हमेशा आगे साथ रहा, जगावना सुहावना उठावना छोड़ के आना ले के आना, बस टावरा ही खतरे रह रहे हैं और कोई काम नहीं। एक चीज़ जी लड़कियाँ ले लोग के ग्रामीण क्षेत्र में रहे बा में भेजाबाजी कौन करे, मैं सोचूँ मेरी बेटी बहुत बड़ी बड़ी कोई कलेक्टर बनाए कोई आईएएस बनाए कोई डॉक्टर बनाए, मेरा सपना यही बस प्रॉपर्टी है बच्चा ही। छोरा बराबर ध्यान दे रहे हो? छोरा ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, छोरा को कम दे रही हूँ, नंबर ज़्यादा लिया है छोरा हाँ, छोरा ना ज़्यादा ध्यान बेटा को दे रही हूँ। और मम्मी है मनोज देवी नाम है, खूब जहाँ नंबर वगैरह है जिसका बच्ची ले ही है क्या कुछ तैयारी करवाई? टावरों को मेहनत तो परिवार को पूरा साथ हो, टीचरों को सहयोग हो, बन पाए को सपोर्ट हो, बच्ची पढ़ाई करती तैयारी तुरी क्या कराया करता उठानू उठानू कि तो खेत ध्यान रखा करता थे, बच्चा ला रहा हूं कि कुछ रहे छोड़ के आ जाता लेके आ जाता, बच्चा न पढ़ना हो तो जगाने की थोड़ी जरूरत पड़ती है अपना आप ही जाग जाया करता। अब आगे की कुछ सोच रखी होती है पढ़ाई जारी रखूंगा? आगे बच्ची को सपनो है, बड़ा पापा को सपनो है कि आईएएस बनावा, तो बच्ची करिए मैं बन जैसी हूँ आईएएस, तो बड़ा पापा की खुशी में हमारी खुशी है। घर बार आपका छोड़ के फिर जहाँ बड़े तैयारी करवाना कितो कठिन है एक पिता के लिए? देखो घर बार छोड़ना टावरों के पीछे घर बार छोड़ो, यूँ बड़ा बड़ी बच्ची है अभी ठीक ठीक ही उम्मीद पर खरी उतरी, क्यों बड़े बच्चों है वो नीट में सिलेक्शन हुए अभी के पीछे ही सब घर का हो गया, कभी वो कहो मना तो यहाँ की सुविधा सी चाहिए तो अब पूरा परिवार से आगे लेके जाऊँ और थोड़ा सैलरी के हिसाब में मामलो दोरो तो हो, पर टावरा पर यह उम्मीद जागी कि भाई अगर चाह ही है तो केवरो सक्सेस हो ही जाएगा, आँख में इसके पूरे परिवार ने फैमिली ने छोड़ के टूर निकलो भी एक बार दोरो लगे घर के लोग लगाओ गाँव में रेड़ा रह गया बूढ़े बुजुर्ग सब और भी काफी बड़े कई दिन क्लाइमेट भी सेट करनी है। क्लाइमेट सेट होने को तो देखो क्लाइमेट सेट तो अब ज़्यादा दूर कोने सीकर को मामलो बराबर सही है, बट घर जो को छोड़ के निकल के बाहर गया सब खेती बाड़ी वगैरह छोड़ के तो वो थोड़ा सा दौर लगे, पर फिर बाद में मन में सोच ली कभी जब गांव छोड़ के जवान टब्बर अगर इच्छा कर रहा है तो आगे सगा होना बहुत जरूरी है, अगर आने ऐसी इतनी सुविधा मांगे बीती नहीं देश का तो भी कम से कम कटौती करके भी सुविधा देने की कोशिश करा तो केवरो आगे भविष्य सुधर जाओ। आगे की के करवानी सोच रखी हो कि इनसे थारी है क्या है? अब इच्छा ना तो देखो उम्मीद है कभी जो ये कुछ भी करना चाहेगी, अब खुद सोच रखिए कभी मैं मेरे इस छोटे वाली बेटी को मैं बोलता हूँ बेटा आईएएस बन जाए तो वह तो आपके भाई ने देख के एमबीबीएस में चली गई तो अब मेरी खास मतलब भाई ली मान रहे थे दोस्त बेटी एक खास है तो मतलब हमारी एक दोस्त टाइप का व्यवहार है तो आप बोली पापा जी मैं बन के दिखा सकता ना तो भी साहब हूँ अब जो आईएएस लाइन में जावा तो कैसा के रहना पड़ सी जी दिशा में चलेंगे पीछे पीछे हर कोशिश करूँगी पूरी साल नहीं। सलोनी जिला का जगह दर्शक लोग देख रहे हैं, वह कोई दस्यु में आना रहा भी होगा कोई दस्यु क्रॉस करीबी होगी बारी में जाना भी होगा के बंद संदेश रहो वो एजुकेशन के मामले में संदेश तो यो ही है, दो चीज़ बोलूँगी मैं,
एक तो या कि स्कूल में कंटिन्यू जाओ कि जी दिन स्कूल स्टार्ट हुई भी दिन लेके आखिरी दिन ताने जाओ, क्योंकि मैं देखे है मैं स्कूल में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी ली जना दसवीं मेरी स्टार्ट हुई और भी समझ चौखो रिजल्ट भी मिल गया। और दूसरी बात आ कि टीचरों की सुनो, क्योंकि टीचर आस्था नहीं गलत कौन बोला, टीचरों की दिशा में चलोगा तो फायदा ही रहो, नहीं थे दूसरी दिशा पकड़ोगा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगा था और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा थारे में कि मन तो सो क्यों है टीचर के मन कोई जरूरी को नहीं, एनसीईआरटी पढ़ ली बात खत्म, मैं तो सो क्यों कर लेसूँ, यहाँ बिल्कुल को नहीं होगा। तो बस टीचर के सुनो, स्कूल में कंटिन्यू रहो, खरगोश सारी चाल मत चलो, कछुए की चाल चलो, सफलता जरूर मिलेगी। आज की कवरेज पर फीडबैक जरूर बताइए, कार्यक्रम क्या लगे, 99% है जी का सलोनी ले ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करने लिए, हालांकि प्रेजेंट में है जी का सीख कर रहे हैं। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।